हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो A30C1 की कीपैड लाइटिंग के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग ओप्पो का डिवाइस यूज़ करते हैं और उसमें हमें यहाँ पे जो कीपैड देखने को मिलती है डिफ़ॉल्ट वाली, वो उतनी अच्छी नहीं होती, एकदम से सिंपल होती है और एकदम नॉर्मल तरीके की होती है, जिसमें हमें यहाँ पे कोई भी LED इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। बट हम आप लोग को जो इस वीडियो में आज कीपैड के बारे में बताने वाले हैं, उसमें आप लोग को LED भी देखने को मिलता है और इतने बेहतरीन बेहतरीन आप लोग को फीचर देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग का कीपैड जो रहता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसा लगता नहीं कि हम ओप्पो का डिवाइस यूज़ करते। ऐसा हमें लगता है कि हम यहाँ पर जो एकदम प्रीमियम टाइप की डिवाइस यूज़ कर रहे या फिर कीपैड यूज़ कर रहे हैं। तो किस टाइप से आप लोग इस कीपैड का लाभ उठा पाएंगे, LED कीपैड का लाभ उठा पाएंगे, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से पहले बता दूँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड के बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल के आइकन को दबाना ना भूले। इंडिया वीडियो पसंद है, लाइक करना भूले और शेयर करना भी ना भूले। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो क्या सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, सबसे पहले आप लोग को जो एक मोस्ट पॉपुलर ऐप डाउनलोड कर लेना, मतलब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है दोस्तों। आप लोग अगर यूज़ करेंगे ना तो आप लोग खुद ही पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन कैसी, मतलब इस एप्लीकेशन का नाम है LED कीबोर्ड। ओके फ्रेंड, इस टाइप के आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग को यहाँ पे क्या क्या स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे फीचर देखने को मिलेगा जो कि मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जैसे हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट का ऑप्शन रहेगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगी हमें, जो कि रहेगा LED कीबोर्ड और टचपैड का। तो हमारा टचपैड जो रहता है डिफ़ॉल्ट वाला रहता है, तो हम यहाँ पे LED कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे आप लोग डाटा ऑन कर लीजिएगा अपने फ़ोन का। और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी कीपैड देखने को मिल जाती है, जिसकी कोई हद ना, एकदम इतनी सारी आप लोग कीपैड देखने को मिल जाती है, जो कि शायद ही आप लोगों ने इससे पहले कहीं देखा होगा। जो कि मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए बता दूँ, अगर आप लोग LED वाले यूज़ करना चाहते हो, कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हो, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग को जो एक काफ़ी अच्छा ट्रायल देखने को मिलता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग वाला भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जिस भी ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे वहाँ पर आप लोग को लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और भी मैं आप लोग कीपैड बता, जिससे मैं इस टाइप कीपैड बता दूँ, तो इसमें भी आप लोग को लाइटिंग वाले इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर आप लोग को ये कीपैड पसंद है तो आप लोग सेव कीबोर्ड पे क्लिक करिए और यहाँ से डायरेक्टली आप लोग इसे सेव कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, एंड आप लोग को बहुत सारी कीपैड वगैरह देखने को मिल जाती है। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग कुछ और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाए, जैसे साउंड वगैरह हो गया, इनपुट हो गया, फ़ॉन्ट वगैरह आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर अलग अलग पॉपअप वगैरह, शो क्रिएशन वगैरह 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 आप लोग यहाँ पे जो है अपने हिसाब से सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड सिंपल तरीके की एप्लीकेशन है दोस्तों, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है और इसमें आप लोग को बहुत सारे जो है कीपैड वगैरह देखने को मिल जाता है। और इस टाइप के आप लोग अगर कीपैड सेव कर लेते तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट में कैसे जाए। डिफ़ॉल्ट में जाने के लिए आप लोग को अपना कीबोर्ड की एप्लीकेशन ओपन कर लें, जो कि डिफ़ॉल्ट में रहती है, स्विच टू टचपैड कर दिए और यहाँ पे टचपैड ओप्पो, फिर से आप लोग की डिफ़ॉल्ट वाली फ़ोन यहाँ पे जो आप लोग की वो आ जाएगी। ओके फ्रेंड, इस टाइप से आप लोग अपने ओप्पो के डिवाइस में यहाँ पे ओप्पो के A37 में आप लोग यहाँ पे जो है LED कीपैड का यहाँ पे लाभ उठा पाएंगे, जो कि मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि आप लोग को इसका इफेक्ट जो रात में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड उम्मीद करना दोस्तों आप लोग का वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो वीडियो कमेंट करना बोले हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।